हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके जिसका नाम है वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर मैकेनिज़्म। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फीएट कार का मॉडल अवेलेबल है जिसमें वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर सिस्टम का यूज़ हुआ है। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वॉट इज़ वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग गियर मैकेनिज़्म। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा स्टीयरिंग व्हील कहलाता है। दिस इज़ स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के सेंटर से एक स्टीयरिंग कॉलम गया हुआ होता है। इस स्टीयरिंग कॉलम को हम लोग इंसर्ट कराते हैं इस स्टीयरिंग बॉक्स में। दिस इज़ कॉल्ड स्टीयरिंग बॉक्स। ये स्टीयरिंग बॉक्स है हमारा। इस स्टीयरिंग बॉक्स में जब ये हमारा स्टीयरिंग कॉलम इंसर्ट होता है तो इस स्टीयरिंग कॉलम के आगे की साइड में वॉर्म मैकेनिज़्म बना हुआ होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वॉर्म एंड व्हील एक गियर मैकेनिज़्म होता है जिसका यूज़ हम लोग लार्ज गियर रिडक्शन के लिए करते हैं, और जब हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। बेवल गियर का भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वॉर्म एंड व्हील गियर का यूज़ कर रहे हैं। इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे इस स्टीयरिंग बॉक्स में जो हमारा स्टीयरिंग कॉलम यहाँ से आया है, ये स्टीयरिंग कॉलम, इसमें आगे वॉर्म बना हुआ होता है जिसकी मैशिंग इस स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर लगे व्हील के साथ में इसकी मैशिंग करा देते हैं वॉर्म की। तो जब भी हम स्टीयरिंग कॉलम को स्टीयरिंग व्हील की हेल्प से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जो स्टीयरिंग कॉलम है उस पर जो वॉर्म बना हुआ होता है वो वॉर्म भी हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से इस स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर जो हमारा व्हील लगा हुआ है जो उस वॉर्म के साथ मैशिंग में होगा वो भी हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं वो उस व्हील के सेंटर से एक छोटा सा शाफ्ट निकली हुई होती है। जब हमारा व्हील घूमता है तो ये शाफ्ट भी हमारी उसके साथ में घूमने लगती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शाफ्ट किस तरीके से घूम रही है। जब हम लोग व्हील को क्लॉक या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो व्हील के साथ में ये व्हील के साथ में हमारा ये सिस्टम भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। यानी कि जब वॉर्म घूमेगा तो उसके साथ में अंदर जो स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर जो व्हील है वो घूमेगा, और जब वो व्हील घूमेगा तो ये जो हमारा शाफ्ट निकली हुई है जो उस व्हील के सेंटर पे माउंट होती है वो भी हमारी घूमेगी। जब वो हमारी घूमेगी तो उसके साथ में ये जो सिस्टम लगा होता है इसे हम लोग ड्रॉप आर्म या पिटमैन कहते हैं। ड्रॉप आर्म या पिटमैन। इस ड्रॉप आर्म या पिटमैन के साथ में हमारा जो ये जो लिंक लगा हुआ होता है इसे हम लोग ड्रैग लिंक कहते हैं। ड्रैग लिंक। इस ड्रैग लिंक के साथ में हम लोग यहाँ पे एक दूसरा लिंक माउंट कर देते हैं, और ये जितने भी लिंक्स हैं इन लिंक्स को हम लोग बॉल जॉइंट के थ्रू, दिस इज कॉल्ड बॉल जॉइंट, दीज आर द बॉल जॉइंट्स, इन बॉल जॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ पे इसको जो है जोड़ देते हैं। ये दूसरा हमारा एक लिंक हो गया, और इस लिंक के साथ में हम लोग यहाँ पे टाई रॉड, दिस इज कॉल्ड टाई रॉड, ये हमारी टाई रॉड है। टाई रॉड कई तरीके की होती है। यहाँ पे हम लोग हाफ स्प्लिट टाई रॉड का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज हाफ स्प्लिटेड टाई रॉड। यहाँ इस पॉइंट से इधर हाफ हो जाता है और इधर हाफ हो जाता है। आइए इसको पीछे से देखते हैं हम लोग किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये हमारा हाफ टाई रॉड इधर और हाफ टाई रॉड दूसरी साइड में माउंट है हमारा। अब ये देखिए, ये टाई रॉड अगेन इस बॉल जॉइंट से यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये देख सकते हैं हम लोग। और ये बॉल जॉइंट हमारा एक आर्म से कनेक्ट कर देते हैं जिसे हम लोग ट्रैक रॉड आर्म या टाई रॉड आर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रैक रॉड आर्म या टाई रॉड आर्म। ऐसा ही सिमेट्रिकल उधर वाले व्हील पे, जो सामने हमारा उधर जो व्हील है उस वाले व्हील पे भी सिमेट्रिकल आर्म ऐसी ही लगी हुई होती है। और ये जो आर्म होती है, ये आर्म फ्रेंड्स हमारी जाके, और ये जो हमारा स्टब एक्सल का ये जो सिस्टम है, दिस इज स्टब एक्सल सिस्टम। स्टब एक्सल वो होता है जिसके ऊपर हमारे व्हील्स माउंट होते हैं, उसे हम लोग स्टब एक्सल कहते हैं। फ्रंट व्हील्स माउंट करते हैं जिसपे, दिस इज कॉल्ड स्टब एक्सल। तो ये जो ट्रैक रॉड आर्म होती है ये हमारी इस स्टब एक्सल पे माउंटेड होती है। आइए देखते हैं हमारा ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जब हम इस सिस्टम को घुमाते हैं तो देखिए, जब हम लोग इस व्हील को घुमा रहे हैं तो टाई रॉड की मूवमेंट
किस तरीके से हो रही है। टाई रॉड हमारी राइट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से स्टब एक्सल जो है हमारा, स्टब एक्सल, दिस इज कॉल्ड स्टब एक्सल, जो कि हमारा ट्रैक रॉड आर्म से यहाँ पे अंदर साइड में स्टब एक्सल माउंटेड होता है, जिसके ऊपर केसिंग है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो स्टब एक्सल हमारा अपनी सेंटर पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, तो जब वो सेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो जो हमारा राइट हैंड व्हील होगा वो इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का व्हील होगा वो जिस स्टब एक्सल पे माउंट होगा वो स्टब एक्सल हमारा नीचे की तरफ जाएगा, तो जो उसके ऊपर जो व्हील इंस्टॉल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ये जो टाई रॉड है हमारी, ये टाई रॉड जब हमारी राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारी गाड़ी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मुड़ेगी, और जब ये टाई रॉड हमारी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारी गाड़ी राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ेगी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग इसको राइट हैंड डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं। जब हम इसे राइट हैंड डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं तो टाई रॉड हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगी, और इस तरीके से हमारा जो व्हीकल है वो राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब जब व्हील को हम लोग लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो अब टाई रॉड की डायरेक्शन देखिएगा, टाई रॉड हमारी राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, देखिए टाई रॉड की मूवमेंट हमारी राइट हैंड डायरेक्शन में हुई और गाड़ी हमारी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है। आशा है आप लोग को ये सिस्टम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।